हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं और उन अंगों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी होता है। पर उन अंगों को स्वस्थ रखने की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है हमारी। तो अंगों को स्वस्थ रखने के लिए हमें अच्छे खान पान की जरूरत तो होती है, उसके साथ में उन बॉडी पार्ट्स को डिटॉक्सिफाई करना भी बेहद जरूरी है। उन्हीं अंगों में से एक है किडनी, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन उपायों को अपनाना चाहिए, हमें अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए, ये सभी बातें आज हम सभी लोग अपनी इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि अगर आपकी डाइट होगी राइट, तभी तो आपका फ्यूचर होगा ब्राइट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारी बॉडी में बहुत सारे अंग होते हैं, या बात की जाए हमारी बॉडी की, तो बहुत सारे ऑर्गन पार्ट से मिलकर बनी होती है। और इन सभी ऑर्गन्स को हेल्दी रखने का सिर्फ एक ऑप्शन है, या से कहें सिर्फ एक उपाय है, अच्छा खान पान। और अच्छे खान पान के साथ में समय समय पर अपने बॉडी पार्ट्स को डिटॉक्सिफाई करना। इन बॉडी पार्ट्स को डिटॉक्सिफाई करना बहुत आसान है, खास तौर पर मेरे क्लाइंट्स एक महीने में कम से कम 4 बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। क्योंकि हमारे मंथली प्लान में 4 डे डिटॉक्स प्लान जरूर रहता है, जो कि वीक में 1 टाइम रहता है। ऐसा करने से आपके वेट लॉस जर्नी में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता ही है, साथ ही में आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स होती है, स्किन ग्लो करती है और आपका हेयर फॉल रुकता है। इसलिए ये आपकी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है। तो डाइट तो अच्छी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आपकी डाइट अच्छी होगी तभी आप लोग के सारे बॉडी पार्ट्स, सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। पर उन्हीं बॉडी पार्ट्स में एक बॉडी पार्ट है हमारा किडनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को क्लीन रखने में। क्योंकि ये जो किडनी होती है हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट आउट करती है। पर अगर आपकी ये किडनी ही डिटॉक्सिफाई नहीं रहेगी तो ये कैसे ही आपके यूरिन से डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर पाएगी। आपकी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो सभी यूरिन के थ्रू किडनी के द्वारा ही बाहर होते हैं, खास तौर पर जिनका यूरिक एसिड हाई होता है। जब आपका यूरिक एसिड हाई होता है तो ये किडनी ही होती है जो कि आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें एक्सक्रीट आउट करती है, जिससे कि आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल रहता है। तो आखिर इस किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं आज अपने इस वीडियो में। किडनी को डिटॉक्स करने में जो पहला रोल होता है वो है अनार के जूस का। अनार के जूस में पोटेशियम होता है, जो कि हमारी किडनी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किडनी हेल्दी हो तो आप डेली डाइट में अपने अनार के जूस को ज़रूर पिएं। अगर आप अनार का जूस नहीं पी सकते हैं तो डेली एक अनार को ज़रूर खाएं, यह आपकी किडनी को डिटॉक्सिफाई करेगा। दूसरा है अदरक। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं अदरक की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, लेकिन इसके इस्तेमाल से हम अपनी किडनी को हमेशा के लिए हेल्दी रख सकते हैं। इसमें यूरिन को, जो यूरिन का जो लेवल होता है या जो यूरिन की जो क्वांटिटी होती है उसको इंक्रीज करने की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है, जिससे कि हमारी किडनी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ और सेहतमंद रहती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी भी गुड़ होता है, जो कि बॉडी में आंतरिक सूजन को कम करने में बेहद फ़ायदेमंद रहती है। तीसरी है हरी सब्जियाँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सर्दियों का मौसम है, ऐसे में बथुआ, पालक, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च बहुत आती हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी किडनी को साफ करने में बहुत मदद करती हैं। विटामिन ए से भरपूर गाजर किडनी को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है, और हरे पत्तेदार सब्जियां जिसमें खासकर बथुआ और पालक होता है किडनी में जमा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, जिससे पथरी की जो प्रॉब्लम होती है उससे बहुत जल्दी हमें मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप पथरी में से सफ़र कर रहे हो किडनी में, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर खाएँ। नेक्स्ट है आप लोगों का टमाटर। जी हाँ, टमाटर में मौजूद लाइकोपिन किडनी को साफ करने में बेहद मदद करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट युक्त शिमला मिर्च में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि किडनी की सफाई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आप लोग टमाटर का जूस तो ले ही, साथ ही में शिमला मिर्च को भी बारीक चॉप करके अपनी बहुत सारी चीज़ों में आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं वेजीज के फॉर्म में। और ये जो टमाटर का जूस होता है इसे भी आप जब वेजिटेबल जूस बनाएं तो उसमें भी एक टमाटर या दो टमाटर को ज़रूर ऐड करें, ताकि इसका जूस आपकी किडनी को डिटॉक्सिफाई कर सके, साथ ही में आपको ग्लोइंग स्किन भी दे सके। नेक्स्ट है तरबूज। नेचुरल पोषक तत्वों से भरपूर तरबूज में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारी किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में बेहद फ़ायदेमंद रहते हैं। हालांकि इस सर्दी में तरबूज का सीज़न नहीं है, पर गर्मियों में डेली हमें तरबूज ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी किडनी से
बॉडी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालने में बेहद फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है संतरे का जूस। आजकल संतरे का बहुत ही अच्छा सीजन है। ये जो संतरे का जूस होता है ये विटामिन सी से भरपूर होता है जो कि किडनी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है, सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अगर आप किडनी की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको रोज मौसम्मी का या संतरे का जूस जरूर पीना चाहिए। और साथ ही में इस संतरे के जूस में विटामिन सी का कंटेंट बहुत अच्छा होता है जो कि हमारी स्किन को ग्लो करने में भी बहुत फायदेमंद रहता है, और वाटर का कंटेंट तो अच्छा होता ही है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके हमारी किडनी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत मदद करती हैं। ये तो थी वो सारी चीज़ें जिससे कि आप अपनी किडनी को बेहद आसानी से डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। इन जूसेस में से, इन चीज़ों में से आप कोई भी दो चीज़ें डेली अपनी डाइट में शामिल कीजिए और फिर देखिए आपकी किडनी कितनी जल्दी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। क्योंकि कई बार किडनी में स्टोन हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बैक में पेन होता है, और किडनी स्टोन की वजह से बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। पर जब आप हर महीने अपनी किडनी को डिटॉक्सिफाई करेंगे तो ये आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स को भी बाहर निकालेगी जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, हेयर फॉल रुकेगा, पिगमेंटेशन कम होगा, और अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो वो भी बेहद जल्द ठीक हो जाएगा। तो मेरी इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इन जूसेस को, इन टब्स को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा, और फिर देखिएगा कि आपकी किडनी कितनी अच्छे तरीके से आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करती है और कितनी आसानी से आप क्लियर स्किन पाते हैं, हेयर फॉल से छुट्टी पाते हैं, पिगमेंटेशन से भी रिलीफ पाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।